हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सॉरी मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल एंड बिजनेस कमिटमेंट्स, जिसके कारण सॉरी। बट आज एक नया नोटिफिकेशन आया है ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से, किस बारे में आया है और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। और अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज स्ट्रांग अपर सर्किट लगा, 33 रुपीज़ 10 पैसे का हाई और 33 रुपीज़ 10 पैसे का ही लो लगा आज भी। जब भी कोई शेयर ऊपर जाता है तो वॉल्यूम कम होना ज़रूरी होता है, वॉल्यूम बढ़ा तो समझ लेना कि सेलिंग हो रही है। तो आज वॉल्यूम हमें कम होते हुए दिखा तो ये पॉजिटिव साइन है। NSE पर ओनली 17 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और BSE पर 30 लाख शेयर्स, ऑल टुगेदर 47 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। मतलब फिर से अभी स्ट्रांग मोमेंटम मोड पे आ चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस था 31 रुपीज़ 40 पैसा, उसको क्रॉस करने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग रैली हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि RSI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट अभी देखिए पीछे भी हमें देखने को मिला था कि RSI हाई होने के बावजूद भी ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार अपर सर्किट लगते रहते हैं, तो इसीलिए वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी T+2 सेगमेंट में है, ASM स्टेज 4 में है, डिलीवरी परसेंट तो 100% होता ही है, उसके बावजूद भी इतना स्ट्रांग बाइंग आ रही है, ये पॉजिटिव बात है। और अभी नेक्स्ट लेवल 36 रुपीज़ का है, उसको क्रॉस करेगा तो 42 रुपीज़ का नेक्स्ट लेवल है। लग तो रहा है कि अब 36 रुपीज़ तक तो जाएगा, उसके बाद देखना ये होगा कि मार्केट की कंडीशन क्या होती है। तो अगर मार्केट की कंडीशन वीक रही तो थोड़ा बहुत सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 9 रुपये से नॉन स्टॉप भाग रहा है तो काफ़ी लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें सेल ऑफ देखने को मिला, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और डरने की भी कोई इसमें बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी आपने देखा मार्केट में थोड़ा प्रेशर था। और अभी US मार्केट जो अभी चल रहा है, आज गिरावट के साथ खुला है US मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो होम सेलिंग का डेटा आया है वो अच्छा आया है, तो लोगों को डर है कि अभी कमेंट्री में और कुछ बोलेंगे वहाँ के गवर्नर, और कुछ होता है फेड गवर्नर कुछ बोलेंगे या कुछ हो गया, थोड़ा सा फिर से डर का माहौल है, क्योंकि फेड गवर्नर की जो कमेंट्री है वो US कांग्रेस में बुधवार को, मतलब कल है, मतलब परसों हमें पता चलेगा गुरुवार को कि उन्होंने क्या कहा, तो उस पैनिक में थोड़ा सा मार्केट अभी US का कमज़ोर है, उसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। बट कोई बात नहीं, ब्राइटकॉम ग्रुप तो लग रहा है कि स्ट्रांगली जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अंडरवैल्यूड शेयर है और अभी सब बातें क्लियर होती गई है, इसीलिए अभी वो तो लग रहा है। और अभी कंपनी की आज कंपनी की ओर से अभी कुछ देर पहले मार्केट बंद होने के बाद एक नया नोटिफिकेशन आया है, आइए जानते हैं उस नोटिफिकेशन में कंपनी ने क्या कहा है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि 13 तारीख को 13 जून को सेबी की ओर से कंपनी के लिए कुछ ऑर्डर पास हुई थी, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स को और कंपनी को कुछ जुर्माना अनाउंस किया गया था, पेनल्टी जो कि अराउंड 40 लाख रुपीज़ की थी। तो उसके बारे में कंपनी ने आज नया सर्कुलर फिर से नोटिफिकेशन दिया है, 20 जून को आज का ही सर्कुलर है, जिसमें कंपनी ने बताया है रिसबमिशन ऑफ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ऑन एडजुडिकेशन ऑर्डर फ्रॉम सेबी वाइड एडजुडिकेशन ऑर्डर एंड ऑर्डर AKBS 2023-24। और ये जो ऑर्डर पास हुआ था उसके बारे में कंपनी ने तुरंत 14 तारीख को 14th of June को जवाब देकर हमें बताया था कि वे कंपनी लीगल एडवाइस दे रही है वगैरह वगैरह, कंपनी जो भी सेबी के ऑर्डर से उसको फुल्ली जो है ओबे करेगी, उसको मानेगी, आगे भी गलतियां नहीं करेंगी वगैरह, ऐसा जवाब दिया था, आपको याद होगा उसका वीडियो बनाकर भी आपको बताया था। बट सेबी ने कुछ एक फॉर्मेट बना के दिया हुआ है जिसका जवाब कंपनी को उसी फॉर्मेट में देना चाहिए, तो इसीलिए कंपनी, देखिए कंपनी अभी कोई भी गलती करना नहीं चाहती है, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही सबसे ज़्यादा मार खाई और उसके कारण ही इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला कंपनी के शेयर प्राइसेस में। तो इसीलिए कंपनी को अभी ध्यान में आया कि भाई हमने जो जवाब दिया था 14 जून को वो सेबी के जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें नहीं दिया है,
और इसीलिए कंपनी ने फिर से वो जवाब दिया है, एज पर सेबी सर्कुलर नंबर CIR CFD CMD 4/2015, ये जो एक कंपनी ने वो एक फॉर्मेट बना के दिया है सेबी ने 2015 के सर्कुलर के मुताबिक, उसके हिसाब से फिर से जो 14 को जो जवाब दिया कंपनी ने उसको रिवाइज करके कंपनी ने जवाब दिया है, दोनों एक्सचेंजेस को इंटीमेशन दिया है। उसमें कंपनी ने क्या क्या हुआ है वो बताना पड़ता है कंपनी को डिटेल में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, तो उसमें पर्टिकुलर्स है। पर्टिकुलर्स में नंबर 1, 2, 3 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट में क्या है, डिटेल्स ऑफ एनी चेंजेस इन द स्टेटस और एनी डेवलपमेंट इन रिलेशन टू सच प्रोसीडिंग, मतलब ये जो सर्कुलर है 2015 का, उसमें भाई कंपनी के ऊपर कुछ एक्शन हुई होगी तो उसका उसके बारे में कुछ डिटेल देना होता है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी डिटेल्स में बताया है कंपनी ने, एडजुडिकेशन ऑर्डर इज पास्ड ऑन June 13, और वो सब सर्कुलर नंबर वगैरह डाला हुआ है। इन केस ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट कीक मैनेजमेंट पर्सनल और इट्स प्रोमोटर एंड अल्टीमेट पर्सन इन कंट्रोल, तो इफ़ एनी प्रोसीडिंग, तो उस पर कंपनी ने जवाब दिया है कि हाँ भाई ऑर्डर इज पास्ड इन द फॉलोइंग ऑन द फॉलोइंग नोटिसेस, विजय कुमार कंचारिया HOF, एम सुरेश कुमार रेड्डी, SV राज्य लक्ष्मी रेड्डी, गीता कंचारिया एंड बैडकॉम ग्रुप, तो ये आप सब जानते हैं। तो ये जो सर्कुलर है ये रिवाइज फॉर्मेट में कंपनी ने इन शॉर्ट सबमिट किया है, और उसमें अगला थर्ड पॉइंट जो है कि कोई एक्शन ली गई है क्या, तो उसमें कंपनी ने उसके आगे लिखा है डिटेल्स में कि जो पेनल्टी लगाई गई है, फाइन लगाया गया है 5 लाख और 35 लाख, ऐसा टोटल 40 लाख का फाइन लगाया गया है कंपनी पे, ये कंपनी ने इस सर्कुलर में नोटिफिकेशन में बताया है। और साथ में 14 तारीख का जो कंपनी ने जवाब दिया था उसका कॉपी, और जो सेबी का जो ऑर्डर पास हुआ था उसका कॉपी इस सर्कुलर में जोड़ा हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है एज पर सेबी का जो रूल है 2015 का, किसी फॉर्मेट में कंपनी ने इंटीमेट करना चाहिए, उस फॉर्मेट में कंपनी ने रिवाइज करके यही जवाब फिर से भेजा है दोनों एक्सचेंजेस को। मतलब कंपनी अभी ध्यान दे रही है कि हमसे कुछ गलती नहीं होना चाहिए। कंपनी ने डायरेक्ट एक्सचेंजेस को बता दिया था कि हमको ऐसा ऐसा ऑर्डर पास हुआ है वगैरह, बट बाद में उनको ध्यान में आया जिसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है सेबी ने, उस फॉर्मेट में जवाब देना पड़ता है, इंटीमेशन देना पड़ता है NSE BSE को। तो कंपनी ने फिर से रिसबमिशन किया है और उस फॉर्मेट में फिर से बताया है कि कंपनी के ऊपर और कंपनी के मैनेजमेंट पे ये पेनल्टी फाइन लगाया गया है। तो ठीक है, कंपनी अपना जो भी है इम्प्रूवमेंट कर रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ये पॉजिटिव बात है, और इसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं, 36 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस किया तो 42 रुपीज़, उसके बाद में तो स्काई इज़ द लिमिट, देखते हैं कितना ऊपर जाता है। बट ओवरऑल पॉजिटिविटी बनी हुई है और सब लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, और जिन लोगों ने हाई रेट में लिया था उनके करीब करीब अभी शेयर पहुँचने में है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डोंट वरी। वो आशा करता हूँ कि आप सबका लॉस रिकवर हो जाए, और जिन लोगों ने नीचे से उठाया है उनको करोड़ों में प्रॉफिट हो। थैंक यू फ्रेंड्स।